नमस्कार दोस्तों, खबर लहरिया के फेसबुक लाइव में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम मौजूद हैं छतरपुर जिले के मादगुआ में और मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक तालाब भी बना हुआ है और काफी मछुआरे भी यहाँ पर मौजूद हैं। इन लोगों का आरोप है कि इस बार इतना ये तालाब सूखा पड़ा है, लोगों को काफी बीज भी इसमें डला है। तालाब सूखा होने के कारण इसमें मछली का जो बीज है तो इन लोगों का काफी नुकसान है। इन लोगों ने काफी बार मांग भी की ये तालाब आदि गहरीकरण के लिए भी मांग की, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जिला छतरपुर में इन लोगों ने रैली के माध्यम से भी अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आइए हम इन लोगों से जानते हैं कि ये सूखा जो तालाब पड़ा है तो इससे इन लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है, कितने का इन लोगों का इसमें बीज डला है और अभी तक मांगे क्यों पूरी नहीं हुई। आखिर जो इतना नुकसान हुआ है तो फिर उसकी भरपाई कौन करेगा जी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीनदार अखबार है, मैं मछुआ समिति का अध्यक्ष हूँ। हमारे यहाँ पे तालाब है जो सूखा पड़ा है, क्या है, हमने कई बार मांग की है कि हमारे यहाँ गहरीकरण कराया जाए। ठीक है, हम लोग मछली का बच्चा डालते हैं तो साले सूख जाता है तालाब, यहाँ पर कोई नहीं सुन रहा है हमारी। हर जगह पर सुंदरीकरण भी हो गया है लेकिन मादगुआ तालाब में सुंदरीकरण भी नहीं हुआ है। कितने का बीज डाला होगा आपका और कितना? हमने कम से कम 2.5 लाख का बीज डाला है। हमारे बच्चे छोटे छोटे 24 घंटा यहाँ की रखनवाई भी करते हैं, लोग बाग करंट डालते हैं, चोरी करते हैं, लेकिन कोई न पुलिस में सुनवाई होती है न कहीं पे सुनवाई होती है। अभी आप लोग छतरपुर में रैली के माध्यम से कुछ मांगों को लेकर गए थे, क्या मांगे थी और अभी तक निराकरण हुआ कि? जी, वो हमारी ये मांगे थी सर कि जो तालाब है वो आदिवासियों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने घोषित कर दिया, हालांकि उन लोगों ने मांगा नहीं था ये, और हम जो मछुआरे हैं उनसे छीन के आदिवासियों को दिए जा रहे हैं। क्या चाहते हैं अभी आप लोग? हम ये चाहते हैं जो हमारे वंशानुगत जो मछुआरे हैं उन्हीं को तालाब मिला चाहिए, हालांकि और दीगर जात को नहीं मिलना चाहिए। आप बता। क्या नाम है आपका? मंगल रेखवार। जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोतीलाल रेखवार है जी। कितनी समस्या हो रही है आपको? ये तालाब भी सूखा है और आप लोगों का बीज भी डला है, तो कितनी समस्या हो रही है, कितना नुकसान हो गया? नुकसान तो हमें लगभग यानी 10 से 20 लाख का नुकसान हो गया इसमें। और दूसरा नुकसान ये है कि गवर्नमेंट ने ये किया है, मध्य प्रदेश शासन ने, कि जो पैसा एक्ट लागू किया है इससे हम मछुआरे बहुत ही यानी प्रभावित होंगे आगे भविष्य में। कहीं कहीं तो ऐसा भी हो रहा है कि मछुआरों से छीन के तालाबों अन्य यानी आदिवासियों को आमंत्रित किए जा रहे हैं। हमने इस विषय में अभी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी किया था छतरपुर में, वो जगह जगह हम लोग हर जिले के स्तर से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत भी करा रहे हैं कि आपने जो हमारे साथ जो कोठाराघात किया है इसको आप अपना पैसा एक वापस लीजिए, नहीं अन्यथा हम मछुआरे एक तरफा आपका बायकॉट करेंगे। जो माजी हित की बात करेगा वही सत्ता पर राज करेगा। जो माजी हित की बात करेगा वही सत्ता पर राज करेगा। जो माजी हित की बात करेगा वही सत्ता पर राज करेगा। जो माजी हित की बात करेगा वही सत्ता पर राज करेगा। परेशान है भैया, और कितनी मांगे हैं आप लोगों की? हमारी बहुत सी मांगे हैं और हम बहुत परेशान है जी। और क्या कहते हैं कि जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार है उन लोगों ने हमारा अधिकार छीन लिया है, अब हमारे बच्चे लोग कहाँ जाएंगे? कितनी मेहनत रहती है और आप लोगों को इसी नुकसान हो गया इसमें? हमारा काफी नुकसान हो गया है और क्या कहते हैं कि अब हमारे बच्चे कैसे पलेंगे, इतने सक्षम तो है नहीं हम लोग, और हम इसी में हमारे बच्चे पलते हैं और शिवराज सिंह चौहान ने हमारी अधिकार छीन लिया है। ना मंगल अखबार। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, ये कि बच्चन के पास कुछ नहीं है, ना जगह जमीन है ना कुछ नहीं है। और जो है जो तालाब वाला से जो कुछ है सब इसी में, सब इसी से रोजगार है, गुजर बसर होता है। बस बस। तो अभी जब आप लोगों ने इतनी बातें रखी थी छतरपुर में अपनी रैली निकाल के, उसमें क्या हुआ आप लोगों का? कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ अभी। किस तरह की लापरवाही प्रशासन ने बताया? अब वो तो शासन ही बता सकता है, हम लोग गरीब आदमी क्या जाने उसमें। हाँ जी दादा, बताइए क्या परेशानी है? अब यही है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, तालाब सरकार छीन ले रही है, अब ये बच्चे हम कहाँ ले जाएंगे?
इसी से सारे लगे हुए, जमीन जगह कुछ है नहीं है, बस वही तालाब है वही में बच्चे हम पालते हैं। और जो मांग पूरी नहीं होती तो आप फिर क्या करेंगे? अब हम क्या बताएं आप ही लोगों, जो जो कुछ करना हो हम क्या कर सकते। अगर थाने जाते तो थाने वाले लोग नहीं सुनते यार। अच्छा, थाने वाले भगा देते? भगा देते क्या, तो जाओ मैं सुनो। अच्छा, ये हमारी मच्छी है, मच्छी जो है इतनी महंगो बच्चा पड़ता है। हमारे चार आदमी ड्यूटी पे रहते हैं और डेली करंट रहता है, डेली करंट आते गांव तरह तरह है और उसमें कोई संत ही नहीं। हम लोग काते हैं सुकर ले जाओ। इस बार कितना नुकसान है आप लोगों का? अरे मैं तो लाख 2-3 लाख का नुकसान हो चुका भाई। क्या चाहते हैं कि आपका नुकसान ना हो? हम यही चाहते हैं हमारा नुकसान ना हो, गैरीकरण हो जाए, यही चाहते हैं हम। सबसे साल अवर्षा के कारण तालाब मतलब पर्याप्त वर्षा नहीं ना होने के कारण तालाब सूख जाता है। अगर शासन, अगर हम लोग मांग तो कर रहे हैं कई सालों से तालाब का गहरीकरण हो जाए। गहरीकरण होने से ये होगा कि खेती तो होगी ही होगी, इसके अलावा हमारा जो मछली पालन का है, सिंगाड़ी का उद्योग है, वो भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। और गहरीकरण ना होने से अब प्रत्येक बार तालाब की स्थिति ये हो जाती है, सूख जाता है तालाब। तो यही चाहते हैं कि आप, नहर नहीं है आपके बगल? नहीं नहीं, नहर भी और टूटी फूटी नहर पड़ी है, और टूटी फूटी नहर है सब, नहर वगैरह सब, वो तो काम चल रहा है बस। तो आप देख रहे हैं मछुआरों का आरोप है कि अगर हमारे यहाँ पर ये गहरीकरण हो जाए और यहाँ पर ये सफाई शुद्धिकरण भी हो जाए तो शायद इस तालाब में जो इन लोगों का बीज डला है वो इन लोगों की लागत तो निकल ही आएगी। काफी बीज डला है और काफी नुकसान भी है, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे तस्वीरों के माध्यम से कि ये तालाब बिल्कुल सूखा पड़ा है। मछुआरे के बच्चे दिन रात यहाँ पर मेहनत करते हैं, लेकिन इसमें कुछ लोगों द्वारा यहाँ पर करंट भी डाल दिया जाता है, मेहनत कुछ लोग करते हैं और फल कोई और ले जाता है। शासन से भी काफी मांग करते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या विधानसभा चुनाव से पहले इन लोगों की जो मांग है वो पूरी होगी या फिर ये लोग इसी तरह दर दर भटकते रहेंगे? तो देखते रहिए हमारा फेसबुक लाइव, हम आपको और आगे का अपडेट देते रहेंगे। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, खबर लहरिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।